और अब बात करते हैं बाबा सूरजपाल उर्फ साकार की, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार की लोकेशन मिल गई है, बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अपने महल में आराम फरमा रहा है बाबा, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मैनपुरी के अपने किले नुमा आश्रम में ही छिपा हुआ है बाबा सूरजपाल उर्फ साकार हरी। हाथरस में हादसे के बाद से अभी तक फरार चल रहा था, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अलग अलग लोकेशंस में छापेमारी भी की जा रही थी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा मैनपुरी के ही आश्रम में छिपा हुआ है, अपने महल में आराम फरमा रहा है। आपको बता दें इस आश्रम में जी न्यूज की टीम पुलिस से भी पहले पहुंची थी। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था वहां के सेवादार के जरिए कि बाबा आश्रम के अंदर ही मौजूद है। उसके बाद से पुलिस की टीम यहां आई लेकिन पता नहीं लगा पाई। ये भी आपको जी न्यूज ने बताया था कि यहां पर ही कोई तहखाना या फिर कोई ऐसा रास्ता है, सुरंग, जहां पर ये छिपा हुआ हो सकता है और इसी वजह से पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल पाया था। और यही बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि बाबा मैनपुरी के अपने व्हाइट हाउस जो आश्रम उसने बना रखा है, 5-स्टार आश्रम, उसी के अंदर है। 21 बीघे में फैला हुआ मैनपुरी का आश्रम, वहीं छिपा हुआ है बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा जानकारी भी दे रहे हैं। क्या यह सुरक्षा बाबा के लिए है? बड़ा सवाल है, किसको सुरक्षा दे रही है पुलिस? वहां पर बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, आश्रम के चारों ओर पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई है? इसका सीधा मतलब यही है कि मैनपुरी के आश्रम में ही बाबा छिपा हुआ है, वहीं पर आराम फरमा रहा है, क्योंकि उसके तमाम ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ये भी सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वो उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और इस पर हमारे कई सहयोगी भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। और उसने सबसे पहले आपको बताया था सेवादार के जरिए कि वो अंदर तो घुसा था मैनपुरी आश्रम में, हादसे के बाद देर रात वो अंदर तो घुसा था लेकिन बाहर निकलते किसी ने उसको नहीं देखा। और ऐसे में हमने जो खबर दिखाई वही सही साबित होती हुई लग रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो मैनपुरी के ही आश्रम में ही है। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जो जानकारी मिल रही है, जो आप लोग लगातार बता रहे थे कि भाई अंदर तो घुसा था बाबा, बाहर नहीं निकला और वहीं अंदर ही छिपा हुआ है। जी निश्चित तौर पे, और जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि बाबा नारायण साकार हरि इसी आश्रम के भीतर मौजूद हैं और अपने आराम कक्ष में आराम फरमा रहे हैं, और बाहर ये सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो एसआई हैं, सब उनको यहां से बाहर से कहीं ना कहीं सुरक्षा देते हुए, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नारायण साकार हरि इस आश्रम में नहीं है तो यहां पर सुरक्षा की इतनी टुकड़ी के मायने क्या है? जरा तस्वीरें नजदीक से दिखाते हैं, आइए देखिए। ये एक गाड़ी यहाँ पर आपको गेट नंबर 2 पे मिला है, यहाँ पर दिखाई देगी, गेट नंबर 1 पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। सुरक्षा कर्मियों की बात कर ले, 1, 2, 3 जो सामने आते हुए आपको एसआई दिखाई देंगे, आपके पीछे बैठे हुए भी यहाँ पर एसआई दिखाई देंगे, यानी लगभग 2 से 3 की संख्या में एसआई। और उसके अलावा अगर बात करें तो आधा दर्जन पुलिसकर्मी यहाँ पर, ये देखिए, आपको आश्रम के ठीक सामने मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है, जो मुख्य सड़क है और वहाँ से आश्रम के लिए आने का जो मार्ग है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और वहाँ पर महिला पुलिस के साथ आपको बड़ी सुरक्षा की टुकड़ी वहाँ पर दिखाई देगी। तो आखिर ये सुरक्षा क्यों? अगर बाबा यहाँ मौजूद नहीं है तो आप यहाँ आते, सर्च ऑपरेशन करते और चले जाते, बाबा को खोज निकालते, नहीं होते तो बता देते। आखिर यहाँ सुरक्षा क्यों है? ये सुरक्षा ही इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो इस आश्रम के भीतर से जुड़ा हुआ है। एक बार और नजदीक जाकर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं, और आश्रम के अंदर की तस्वीरें अभी भी इस बार भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे इन जालियों के माध्यम से, क्योंकि जिस दिन से यह घटना हुई है उस दिन के बाद से ये आश्रम का गेट थोड़ा सा खुलता है और खुलकर जो सेवादार होते हैं वो बाहर आते हैं और फिर अपने सहयोगियों को लेकर अंदर चले जाते हैं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन हम जो तस्वीरें दिखाए उसमें ढेर सारी गाड़ियां थी, बाद में वो गाड़ियां निकलती हैं और धीरे धीरे एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो यहां से बाहर चली जाती हैं, और फिर इसके बाद अभी आपको अंदर एक गाड़ी दिखाई देगी और अंदर सन्नाटा दिखाई देगा। जिस दिन यहां पर घटना हुई थी उसके दूसरे दिन की हम बात करें तो ठीक दूसरे दिन यहां पर सेवादारों की एक बड़ी संख्या थी। धीरे धीरे जो सेवादार हैं वो भी यहां से चले जाते हैं और रह जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बाबा नारायण साकार हरि इसी आश्रम के भीतर आदेश मिले हुए हैं। क्या आदेश मिले हुए हैं
आखिर क्यों इस तरह यहां पर वो सुरक्षा में तैनात है जब अंदर कोई नहीं है, आश्रम के सेवादार भी नहीं है, तो फिर पुलिस की ऐसी तैनाती क्यों है, उनसे ही जरा पूछें। जी हम प्रयास करते हैं और जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं इनसे जानते हैं आप सुरक्षा दे रहे हैं इस आश्रम को। ड्यूटी लगाई। क्या कहा गया है कि आश्रम की सुरक्षा करनी है या किसी को आने जाने से रोका गया है, आदेश क्या है? ड्यूटी लगाने के दौरान किस चीज की ड्यूटी लगाई गई, सिर्फ सुरक्षा देने की या क्या कहा गया है? कुछ बोलने से ही मना किया गया है? कुछ नहीं, ड्यूटी लगाई गई हमारी। ड्यूटी लगाई है तो ड्यूटी में ये कहा जाता है कि आप ड्यूटी करिए लेकिन सुरक्षा दीजिए, या फिर बाहर इस गेट की सुरक्षा करिए, जो अंदर लोग मौजूद हैं उनकी सुरक्षा करिए, या फिर इस सड़क पर चहलकदमी करिए, क्या कहा गया है? जगदीश जी आप ऐसा ही हैं, कुछ तो कहा गया होगा ड्यूटी के दौरान, या चुप रहने को कहा गया है? और बताओ क्या हाल है? ठीक है, आप देखिए ये तो जगदीश जी हैं, इनके अलावा एक और एसआई हैं और ये देखिए फोन से बात करते हुए जा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर जरा साहब का 2 मिनट टाइम लेना चाहेंगे अनिरुद्ध जी, यहाँ पर आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या क्या कहा गया है कि ड्यूटी? ड्यूटी शांति व्यवस्था में लगाएगी, वैसी और हमारी कोई ड्यूटी नहीं। यहाँ कौन सी अशांति फैल रही है? कोई न यहाँ पर सेवादार है, न यहाँ पर ग्रामीण है, न धरना है, ऐसी कौन सी अशांति है कि यहाँ शांति बहाल करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी है? शांति व्यवस्था ड्यूटी लगाई जाती है, उसमें हम कोई बैठ इसमें संबंध नहीं। शांति व्यवस्था की ड्यूटी जहां तक मुझे जानकारी है, कि क्या बाबा अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो, जहां है हालात ऐसे पैदा हो तब लगाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अंदर अंदर बाबा के होने की सूचना है? नहीं, नारायण साकार हरि के मुझे कोई संबंध जानकारी नहीं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं कब, जब आप वक्त वक्त पे अंदर भी जाते रहे जब आपके अधिकारी आए हैं, कुछ अंदर दिखा है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं? भक्त है क्या अंदर, उनको भक्त है अंदर? मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप बाहर ही हैं जी, इसे हम छुपाने का प्रयास कहें या फिर जानकारी ना होने के बाद? नहीं जानकारी नहीं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं? नहीं मुस्कुराना तो स्वाभाविक है, मुस्कुराना है तो भाई मुस्कुराना स्वाभाविक है भाई, मुस्कुराना तो स्वाभाविक। लेकिन एक मन में ये सवाल है, यहाँ पर आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बहाल करने की ड्यूटी है, यहाँ कोई अशांति जैसी चीज नहीं लग रही है, लगातार शांति व्यवस्था बहाल है, आप लोग भी ड्यूटी पर हैं, फिर भी शांति व्यवस्था कहाँ बहाल नहीं हो रही है जो आप लोगों को यहाँ इतने मुस्तैदी से लगा रखा गया है? दो दो जीपे हैं साहब, और बाहर अगर बात करें तो पूरी की पूरी टुकड़ी है। जी जी, और इस आश्रम के अलावा अन्य आश्रमों पर ऐसी सुरक्षा नहीं है? नहीं बता सकते हम। संकेत है क्या? नहीं। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इतने हाईटेक इंतजाम होते हैं पुलिस के पास, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिनों से साकार हरि उर्फ सूरजपाल का पता नहीं लग पाया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग कारणों से प्रशासन ने ये कोशिश की है कि भाई उसे एक अलग जगह पर रखा जाए, उसे जानकारी मिलती रहे? देखिए प्रशासन की बात तो प्रशासन जाने, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सूत्र यही कह रहे हैं कि बाबा नारायण साकार हरि इस आश्रम के भीतर मौजूद हैं, और इस आश्रम के भीतर मौजूद होने के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे ये है कि इस आश्रम के बाहर सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था, और जिस तरह से अभी जो पुलिस के एसआई हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि यहाँ शांति व्यवस्था बहाल रहे, जबकि अशांति जैसी कोई बात इस आश्रम के इर्द गिर्द भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई मतलब अगर बात करें तो एक आदमी भी नहीं भटक रहा है, किसी को यहाँ आने की अनुमति शुरू पे भी नहीं थी उस दिन, अगर दूसरे दिन की बात करें जितने भी इनके सेवादार हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है, और अब यहाँ पूरी तरह से शांति पहले दिन से है, लेकिन अगर शांति व्यवस्था देखिए हम संख्या गिनवा देते हैं, अगर आपको दिखाना है ये देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर ये पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा पीछे बैठे हुए उन कुर्सियों पर एक एसआई जो कि कुछ देर पहले चुप्पी साधे थे, यानी 4 पुलिसकर्मियों के टुकड़े इस गाड़ी से आपको दिखाई देगी, एक जीप यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इसके अलावा हम तेजी से अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा तेजी से आए, और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनकी भी हम संख्या आपको दिखा दें। देखिए सामने जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे सिपाही हैं, उसके अलावा अगर बात करें तो एक एसआई और सामने एक पुलिस की गाड़ी, यानी एक टुकड़ी गेट नंबर 1 पर यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्य द्वार यानी जो कि आश्रम की ओर आने वाली सड़क है, मुख्य सड़क से उससे जब आप अंदर की ओर आते हैं तो वहां पर 5 महिला पुलिस है, और आपको बता दें इसके अलावा अगर बात करें
तो वहां पर एसआई हैं और सीओ हैं, सभी वहां मुख्य द्वार पर बैरिकेटिंग की गई है। जरा सा राम बालक जी को तस्वीरें दिखाई, देखिए आपको 17 पुलिसकर्मी आपने गिनवा दिए हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर बता देते हैं, पीछे गिनती जारी रखें। इन सबके बीच अपने दर्शकों को जो आपने सवाल पूछे हैं उस पर क्या जवाब आया है पुलिस की ओर से, यह भी अपने दर्शकों को बताते हैं। पुलिस वालों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहां जो तैनात पुलिसकर्मी है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने जब उनसे सवाल पूछा और गिनती करके नीतीश ने हमें बताया है कि 17 पुलिसकर्मी तो अब तक गिन चुके हैं। 17 पुलिसकर्मी एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं है, सेवादार तक नहीं है, वहां पर जो तैनाती है वो सीधे सीधे यही इशारा कर रही है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि नारायण साकार अपने इसी आश्रम में, ये उसका मुख्यालय है, यहीं पर मौजूद है, साफ साफ यही जानकारी मिल रही है। नीतीश, गिनती कहां तक पहुंची? देखिए गिनती एक बार और हम कर देते हैं। वहां पर 4 पुलिसकर्मी और इसके साथ एक एसआई हमने गिन रखे थे, 5, 6, 7, 8, 9 और पीछे आपको ये 10वें एसआई दिखाई दे जाएंगे। और इसके पीछे भी हम जाएंगे तो आपको सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा यहाँ पर संख्या बल आपको दिखाई देगा। 2-3 सुरक्षा कर्मी पीछे भी हैं। और दूसरी ओर जो हम सड़क की ओर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए एक बड़ी बस आपको खड़ी हुई दिखाई देगी जो कि ट्रक होती है, जिसमें पुलिसकर्मी यहाँ पर हर जगह पहुंचते हैं सुरक्षा देने के लिए। इसके अलावा आप देखिए सामने तो पुलिस की गाड़ी और इसके अलावा एक गाड़ी और, यानी 3 गाड़ियां आपको सामने दिखाई दे जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप उनके पास सुरक्षा कर्मियों की अगर बात कर ले तो 4 से 5 महिला पुलिसकर्मी, इसके अलावा सीओ और 2 एसआई, और इसके साथ ही अगर बात करें तो लगभग जो सिपाही कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की संख्या वहां 7 की है। तो हर ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा। एक बार हम और पीछे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए चंदन, यहां पर जो आश्रम आपको दिखेगा, चारों तरफ आश्रम के हर तरफ आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। आश्रम की अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो जो सीसीटीवी से देखी जाती है, लेकिन ये सुरक्षा कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बाबा नारायण साकार हरि अपने इसी आश्रम में अपने आराम फरमाने की जगह ठीक है। तो 20 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की हुई है बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में, जैसा कि हमारे सहयोगी नीतीश ने बताया। और ऐसे में सीधे सीधे साफ यही संकेत मिल रहे हैं कि बाबा अंदर छिपा हुआ है, मैनपुरी वाले आश्रम में ही है। और जी न्यूज पर आज बाबा साकार हरि के पाखंड का सबसे बड़ा सबूत भी आपको दिखाते हैं, कैसे साकार हरि भक्तों को अवतार वाले झूठ में फंसाता था, कैसे लोगों से भगवान होने का दावा करता था, उसके भक्त भी इस मायाजाल में फंसकर उसका महिमा मंडन करने लगते थे। आज जी न्यूज पर बहुरूपिया साकार उसके हर सच से आपको हम वाकिफ कराते हैं। अलग अलग तरीके के पाखंड रचता था, कभी खुद को नारायण का चतुर्भुज अवतार कभी खुद को दिखाता था। ये देखिए वो चतुर्भुज अवतार, यानी एक वीडियो जो कि शायद किसी टीवी का होगा, किसी सीरियल का होगा, उसमें अपनी फोटो इंपोज करके अपने भक्तों को बरगलाता था और खुद को नारायण यानी विष्णु भगवान का अवतार बताता था। दूसरी तस्वीर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अपने हाथ से प्रकाश पुंज निकलता हुआ दिखा रहा है, यही वो शख्स है जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र भी होने का दावा करता है ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख पद्म, और जो भगवान विष्णु की का जो रूप है उसमें वो अपना चेहरा लगा करके भक्तों को बरगलाता था, खुद को कल्कि अवतार कहता था, जो कि सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार आएंगे। तो यह पाखंडी दावा करता था कि वो खुद कल्कि अवतार है, भगवान विष्णु का स्वरूप बनाकर दिखाने की कोशिश करता था। और यह सब कुछ वो ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए करता था। और उसके भोले भाले जो भक्त हैं वो इस पर यकीन भी कर लेते थे। अंदाजा लगाइए, जिस वो अशुद्ध दूध से, जिस दूध से वो नहाता था वो अशुद्ध हो जाता था, मैल उसमें मिली हुई होती थी, और उसका खीर बनवा करके बटवाता था। और देखिए कल्कि अवतार होने का दावा, इसका फर्जीवाड़ा आप देखिए किस लेवल का था कि ये फोटोग्राफ फोटोशॉप के जरिए अपना चेहरा लगवा करके अपने भक्तों को यह बताता था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही अवतार हूं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं साकार का यह अवतार वाला पाखंड जी न्यूज पर, आप देखिए उसके पाखंड की हम चीथड़े उड़ा रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाया, और वो मासूम लोग जो उसकी बातों पर यकीन करते थे उसके सत्संग में उसके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़े और खुद मौत के मुंह में समा गए। 123 लोगों की मौत का यह गुनहगार, इसका एक एक कच्चा
चित्र था हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं। आप देखिए खुद को कल्कि अवतार बताता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुरूपिया पाखंड का ऐसा मायाजाल उसने रचा हुआ था, अपने भक्तों के ऊपर ऐसा उसने आडंबर का जाल डाल रखा था। वो बेचारे, वो भक्त मासूम जो कि श्रद्धा के दायरे को पार करते हुए अंधश्रद्धा की ओर चले गए, और 123 लोग जिसमें महिलाएं थी, अधिकतर महिलाएं थी, जो कि मौत के मुंह में समाई। दो तस्वीरें, चतुर्भुज अवतार और कल्कि अवतार का आडंबर। अपना नाम उसने भोले बाबा रख लिया, लोगों की आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा था यह धूर्त आप तस्वीरों के जरिए देखिए। विष्णु अवतार का पाखंड रचना, चतुर्भुज रूप में अपना चेहरा इंपोज कर देना फोटोशॉप के जरिए, उसके बाद अपने हाथ से प्रकाश पुंज निकलते हुए दिखाना, हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाना, ये तमाम वो उसने आडंबर पाखंड रचा हुआ था जिसके जरिए भोले भाले लोगों को यह भरोसा दिलाता था कि वो ब्रह्मांड का स्वामी है, त्रिलोक का स्वामी है, उसके पैरों की धूल से कृपा प्राप्त होती है। चापाकल लगवा रखा था, हैंडपंप लगवा रखा था जिसका पानी सामान्य पानी। तीन तस्वीरें देखिए, बाबा साकार की तीन तस्वीरों में देखते हुए साफ है भक्तों पर वो कैसा माया जाल करता था, झूठी तस्वीरों से लोगों को भगवान का अवतार होने का पाखंड करता था। ये तीन तस्वीरें उसके आडंबर का सबूत है। एक एक करके हम उसका हर जो राज है वो सामने ला रहे हैं। और ये देखिए तीसरा वीडियो आप देखिए, चक्र की का उसने इंपोज कर रखा है, खुद बैठा हुआ है, अपने बगल में अपनी पत्नी को बिठा रखा है, और अलग अलग वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए वो मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। Z News.